अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं नीनाज ब्लॉग्स और आज है हमारा ये 15th एपिसोड। तो आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा हटके है और हमारा तरीका भी थोड़ा हटके है। आज हम एनिमेशन नहीं बना रहे, हम आज डिफरेंट टाइप की एक वीडियो बना रहे हैं। तो बेसिकली हम आज जो टॉपिक में बात करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ इन माई बैग। व्हाट इज़ इन माई बैग तो है, लेकिन इसके साथ हम आपको थोड़ी सी टिप्स भी देंगे कि आप अपने बैग में क्या क्या रख सकते हैं जो आप इजीली कैरी कर सकें, और स्पेशली तब जब आपके साथ बच्चे भी ट्रैवल कर रहे हों और आपने करीब में ही कहीं जाना हो, जैसे 1-2 घंटे के लिए आपने कहीं जाना है और आपके साथ बेबी भी है, तो आपके बैग में क्या क्या होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम स्टार्ट करेंगे बेबी के आइटम से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए। बैग में आपको लगेगा एक जंबील है क्योंकि इसमें बहुत कुछ निकलने वाला है, जबकि इसमें जगह कम है। और ये मेरा फेवरेट बैग है किपलिंग, क्योंकि ये बहुत ही कन्वीनियंट रहता है, बहुत इजी रहता है, इसमें स्पेस भी बहुत है, उसकी जिप्स बहुत स्मूथ है। तो पहली चीज़ टॉयज़ ये होने चाहिए, क्योंकि बच्चे आपको रास्ते में तंग कर सकते हैं, तो आप उनको इनसे खेलने को दे सकते हैं। देन मोर टॉयज़ और भी होने चाहिए। उसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है बेबी की फीडिंग बॉटल, ये होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को जो उनका फीडिंग टाइम होता है उसको आगे पीछे नहीं करना चाहिए। आपको इसमें आप जो भी हो बेबी का फीड वो इसमें लेके जाएं, और टाइम ज़रूर नोटिस करें कि फीड एक्सपायर ना हो गई हो, उस वक्त तक फीड का टाइम हो जब आप उसको दे रहे हैं। उसके अलावा होती है मेरे पास ये बेबी का नैपकिन, उसका मुंह साफ़ करने के लिए, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिब, ये होना चाहिए ताकि आप बेबी को फीड करा रहे हैं या आप उसको जैसे कुछ खिला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो गंद ना मचे, सब कुछ सही से हो, बेबी भी साफ़ सुथरा, उसके कपड़े ख़राब ना। देन उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है दैट इज़ डाइपर्स। बेबी डाइपर्स होने चाहिए, और डाइपर से भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होती है एक्स्ट्रा शॉपर्स। ये शॉपर्स आपके पास इसलिए होने चाहिए क्योंकि अक्सर लोग होते हैं जो बेबी के डायपर्स वगैरह चेंज करते हैं और वो उसको ऐसे ही इधर उधर फेंक देते हैं, तो आपको चाहिए आप उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें। आप क्यों इधर उधर जगह पे गंदगी मचा रहे हैं, प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें और जगह भी ख़राब ना हो और किसी को नागवारी भी ना हो। खैर, उसके बाद बेबी आइटम्स के लिए और भी चीज़ें जो आती हैं वो हैं बहुत सारे टिश्यू पेपर्स और भी सारे टिश्यू पेपर्स, और उसके अलावा और भी बहुत सारे टिश्यू पेपर्स, क्योंकि बच्चों के साथ टिश्यू पेपर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आपको चाहिए होता है कि कभी वो वॉमिट कर देते हैं, कभी वो स्पिट कर रहे होते हैं, कभी खाना निकाल देते हैं, तो उसके लिए चाहिए होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये अपने लिए चाहिए होते हैं ये वाइप्स, वैसे ये बहुत अच्छे हैं कूल एंड कूल के। और इसके अलावा ये सैनिटाइज़र भी होना चाहिए, जैसे आप अपना बेबी का डायपर वगैरह चेंज कर रहे हैं, आप बाहर हैं, आप वहाँ हाथ नहीं धो सकते, यू शुड कीप सैनिटाइजर्स विद यू। और ये भी बहुत अच्छा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है कूल एंड कूल का। उसके अलावा अब अपने आइटम्स पे आते हैं, तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपके पास आपका वॉलेट होना चाहिए, होना ही चाहिए, वॉलेट नहीं है तो फिर क्या है। एक छोटा सा परफ्यूम ज़रूर कैरी करें, और छोटा सा ब्रश, मेरे पास हर चीज़ पोर्टेबल होती है ताकि इस छोटे से बैग में सब कुछ आ जाए और मुझे इधर उधर ना जाना पड़े। उसके अलावा लिपस्टिक होनी चाहिए, वैसे ये शेड अच्छा है, दिस इज़ रेवलॉन। उसके अलावा होना चाहिए जी बैंडेजेस, सनी प्लास वगैरह, ये होना चाहिए कभी भी, खुदा ना खास्ता किसी को चोट लग जाए, कुछ हो तो आपको होनी चाहिए। खैर, अगर चोट वोट ना भी लगे तो कभी होता है कि शूज़ आपको जो है वो इरिटेट कर रहे होते हैं, तो आपको रखना चाहिए अपने पास। उसके अलावा इन दिस पॉकेट आपके पास होना चाहिए च्युइंगम या फिर कुछ भी ऐसा जो रिफ्रेशिंग हो, ताकि ना आपको कोई नागवारी गुजर रही हो ना किसी और को, माहौल को फ्रेश रखें। खैर, ये तो चीज़ें हैं, लेकिन इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम अक्सर भूल जाते हैं वो है आप इनसाइड जो एक छोटी पॉकेट होती है उसमें रखें। एक पेन होना चाहिए आपके पास और एक छोटी नोटबुक होनी चाहिए, सी ये भी पोर्टेबल है। खैर, ये सब कुछ है, और उसके अलावा जो एक एडिशनल चीज़ मैं कैरी करती हूँ जो कि अल्लाह ना करे किसी को कैरी करने की ज़रूरत पड़े कभी, वो है मेरा ये लाइफ सेविंग इंजेक्शन एपिनेफ्राइन। तो
थैंक यू डॉक्टर ज़ीनत एवा ख़ान, आपकी बहुत बहुत नेगलिजेंस की वजह से मुझे ये अपने पास अब रखना पड़ता है। अगर आप कभी ये ना करती तो शायद मैं अभी ठीक होती और मुझे ये ना रखना पड़ता। खैर, अल्लाह पूछेगा। उसके अलावा एक चीज़ जो अभी मेरे बैग में नहीं है लेकिन ये रखनी चाहिए, वो है बेबी की बॉटल। छोटा सा ये मग है, सिपिंग मग है बेबी का, इसमें पानी होना चाहिए। और पानी आप कोशिश करेंगे पानी बॉइल्ड हो, क्योंकि बच्चों का बॉइल्ड पानी दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। सो ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा बैग जिसके अंदर ये सब कुछ होता है, ये बहुत ईजिली आ जाता है। और ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ये रखनी चाहिए, और आपका सफ़र ताकि ईजी गुजरे, बच्चे भी आपको तंग ना करें, और आपके पास हर चीज़ हैंडी होनी चाहिए कि भाई अगर डायपर चेंज करना है तो पीछे की पॉकेट में डायपर है, ये इसकी बैक पॉकेट है, इधर डायपर है, अंदर की जो पॉकेट्स हैं उसके अंदर मतलब आप डाल लें। अरे हाँ, और ये चाबियाँ कौन रखेगा, कीज़ भी तो होती हैं, कीज़ के लिए। इस बैग की सबसे अच्छी बात ये है इसमें हर चीज़ रखने के लिए बहुत अच्छी जगह, तो मुझे पसंद है। थैंक यू सो मच। हम कोशिश करेंगे कि अगले भी जो हम टॉपिक्स लाएं वो बहुत अच्छे अच्छे लाएं, और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलें, और आपको ये हम कोई टिप्स अगर दे सकते हैं किसी चीज़ के बारे में तो हम वो दे सकें। हो सकता है हम इन फ्यूचर अपनी वीडियोस का थोड़ा सा मोड चेंज करने की कोशिश करें, तो अगर कोई सजेशन आपके पास है आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, वो हमें बहुत खुशी होगी उस बारे में। सो थैंक यू सो मच। See you guys in the next vlog. Allah Hafiz.